क्लासेस की ओर से जो एक नया उपक्रम चालू किया गया है ऑनलाइन स्टडी का, तो अपने मेरे साथ हैं नितिन गर्ग जी और इनसे जानते हैं किस तरीके से ये इस कार्यक्रम को चलाएंगे। हम लोग हमारा स्कूल है जीबी स्कूल, वो हम लोगों ने शुरू किया 1 साल पहले। अब ये कोरोना काल में दिक्कत आई, सबको दिक्कत आई, तो हम लोगों ने अप्रैल में हम लोगों ने पहली चीज़ हम लोगों ने डिसाइड की कि हम सबकी फीस माफ़ करेंगे। क्योंकि जब हम जो चीज़ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूल है, सर्विस प्रोवाइडर है, हम लोग सर्विस देते हैं एजुकेशन की, जब हम वो प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे तो हम किस चीज़ के पैसे लें, तो हम लोगों ने पहले वो डिसाइड किया। फिर हम लोगों ने देखा कि यार दिक्कत यहाँ पे है कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो जितना पढ़ा था, जितना गया, जितना आज तक हमने सीखा था, वो सब धीरे धीरे जाता रहेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ तो शुरू करना चाहिए। कैसे बीच में शुरू? जो गैप नहीं आए पढ़ाई का, जो कंटिन्यूटी है वो वो चलती रहे। चलती तो रहे। इस चक्कर में हम लोगों ने पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते हम लोगों ने जितने भी इंडिया में कहाँ पे क्या चल रहा है, हमारे खुद के जो जेपी स्कूल है उसके स्पॉन्सर्ड स्कूल्स हैं, वो एक इंदौर में है, मुंबई में है, तो हम लोगों ने उनसे बात करी आप लोग क्या कर रहे हैं। तो वहां से हम लोगों ने जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं वो उठाई, कुछ चीजें हम लोगों ने ऐड करी। एक चीज हमने जो ऐड करी वो थी कि फिजिकल वर्कशीट्स वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हैं या बड़े हैं, आज पढ़ना हमें बुक से अच्छा लगता है, मोबाइल से नहीं। हम चाहते हैं कि हम बुक से पढ़ें, मोबाइल से नहीं। अखबार पढ़ना आज गुजर गया, वो अखबार पढ़ना उनको पसंद है, बुक से नहीं। आपके कहने का मतलब एकदम आदत नहीं आ सकती ऑनलाइन पढ़ने की। आनी भी नहीं चाहिए। आज मोबाइल की स्क्रीन हमारे लिए हानिकारक है, वो हम सब जानते हैं। अगर वो आज उसको बढ़ावा देना वो तो गलत है। आपने सभी पहलुओं पे विचार करके ये चालू किया है, तो ये कौन सी क्लासेस वगैरह रहेगी, कैसा इनका शेड्यूल रहेगा, क्या माध्यम रहेगा ये हम चीजें? लोग कोशिश तो ये करेंगे कि फर्स्ट टू ट्वेल्थ सारी क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे संगरिया में खासकर स्कूल्स ने अपना काम नहीं किया है। स्कूल्स को एक अच्छा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन देना चाहिए था, एक अच्छा ट्राई करना चाहिए था। आज शहरों में अगर आप जाओगे तो सब स्कूलों की जूम पे क्लासेस चल रही हैं, या कुछ भी नया हर स्कूल अपनी तरफ से कर रहा है। हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उस पर वर्क डाल दिया। वो ना तो बच्चा इतनी देर मोबाइल देखता है, ना वो पेरेंट्स करवा पा रहे हैं, सिर्फ वो अपना खाना पूर्ति करने का काम कर उसका रहा है, उसका लाभ बच्चों तक पहुंच नहीं पा रहा है। नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसका परेशानी हमें भी, हमने लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि परेशानी आ रही है बच्चों को। फिर हम टीचर से मिले, टीचर्स की पे नहीं आ रही है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि टीचर्स और बच्चों दोनों की हेल्प करने के लिए कि हम ये शुरुआत करते हैं कि एटलीस्ट बच्चों को सही कम्युनिकेशन और सही पढ़ाई उनकी जारी रहे। और अगर हम करते हैं कोई और भी करेगा, पहली पहल करना हमारा काम है। तो क्लासेस कौन सी रहेगी अभी सब्जेक्ट्स? हम लोगों ने एक बार जो शुरुआत की है वो 9 to 12 की है, कि ये बच्चे सबसे ज़्यादा सीरियस हैं और इनको सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। अगर ये हमारा सक्सेसफुल रहता है, जो कि आज आज हमारा पहला दिन था, तो आज हमारा जो रजिस्ट्रेशन है 0 से 20 हो गए। हमारे पास 5 दिन पहले हमें ये आइडिया आया था, 5 दिन में हमारे पास 50 लोग जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत हमारी सोच और विचार से बहुत आगे है। तो हम हो सकता है कि अगले 10 दिन में हम फर्स्ट से 12th तक चालू कर दें। हमारा फोकस ये रहेगा कि सब बच्चों को कंटिन्यूटी मिले, एक पढ़ाई मिले, एक अच्छी पढ़ाई मिले। तो ये कम्युनिकेट कैसे होगा, किस तरीके से आपकी एजुकेशन चलेगी, ये आपस में कैसे बच्चे के साथ आप कम्युनिकेट किस माध्यम से? आज सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन को फोकस भी रखा है, बिल्कुल बिल्कुल और हर रखा है। मोदी जी ने हर बार ये बोला है कि ऑनलाइन अपन को चेंज होना होगा, वक्त के हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन पे जाना होगा। तो हमने जो मोड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन चूज किया है वो ये किया है कि वर्कशीट प्लस मॉडल हम लोग इसको बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। उसमें क्या है कि वर्कशीट हम लोग दे रहे हैं पर डे, तो बच्चे को ये करना ही है। और आप ये मानेंगे नहीं कि जो छोटे से बच्चे हैं नर्सरी और एलकेजी वाले, वो भी अपना काम जो है वो खुद मम्मी को बोलते हैं कि मेरे को होमवर्क करना है, मेरे को करना है, बिकॉज वो आदत बन जाती है। तो हम लोग जो, जैसे आप ये वर्कशीट आपके हाथ में मैंने आपको दी थी इनिशियली, जैसे ये है, तो ये फिजिक्स की वर्कशीट्स हैं, तो इसमें ये डे 1 की वर्कशीट है, ये फिजिक्स की वर्कशीट्स हैं। तो इसमें जो टीचर पढ़ाएगा डे 1 पे, वो इसमें दिखाया गया है कि ये डे 1 पे ये टीचर पढ़ाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही चैप्टर टीचर कवर करेगा। फिर ये क्वेश्चंस हैं जो बच्चे को अपने आप अप्लाई करने हैं। अब बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कोई बुक अवेलेबल होती है, कोई किसी के पास अवेलेबल होती है, वो सब दिक्कतें आने वाली हैं। तो अगर एक टीचर बोलता है कि अब आप आरडी शर्मा का 12th क्वेश्चन कर लीजिए मैथ्स में, तो वो सबके पास नहीं है, तो फिर कैसे होगी? तो इसलिए
फिर वही बात, वहीं पर पहुंच जाएंगे अपन, कि मोबाइल पे भेज देते हैं, फिर मोबाइल पे वो बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, वो सोचने का दिमाग टाइम ही नहीं मिल रहा उसको। तो बिकॉज हम लोग अपना मेटेरियल खुद बना रहे हैं और खुद बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके बाद जो ये दिक्कतें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। अब आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, आपको अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी सब चीज़ें सॉल्व हो गई। ये थे नितिन गर्ग जी जेबी क्लासेस की ओर से, और ये इन्होंने एक नया प्रयोग चालू किया है, और मैथ और साइंस के ये कोचिंग 9 to 12 चालू करेंगे, और सभी बच्चों से इसका लाभ ले सकते हैं।